नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरित। संक्षिप्त ब्रह्म वैवर्त प्राण श्री कृष्ण जन्म खंड उत्तरार्ध अध्याय 124। वसुदेव जी का शंकर जी से भवतरण का उपाय पूछना। शंकर जी का उन्हें ज्ञानोपदेश देकर राजसूय यज्ञ करने का आदेश देना। वसुदेव जी द्वारा राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान और यज्ञांत में सर्वस्व दक्षिणा में देकर उनका द्वारका को लौटना। नारद जी ने पूछा, विभो, गणेश पूजन और राधा स्तोत्र से बढ़कर वहाँ कौन सी रहस्यमय घटना घटित हुई, उसका मुझसे विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। श्री भगवान बोले, नारद, गणेश पूजन तीर्थ में जितने देवता, मुनि और योगींद्र पधारे हुए थे, वे सभी वटवृक्ष के नीचे समासीन थे। उनमें से शंभु, ब्रह्मा, शेषनाग और श्रेष्ठ मुनियों से वसुदेव और देवकी ने परम आदर पूर्वक यों प्रश्न किया, हे महाभाग, आप लोग दिनों के बंद हैं, अतः शीघ्र ही बताइए कि हम दोनों के लिए इस भवसागर से पार करने वाला कौन सा उत्तम साधन है। आप लोग भवसागर से पार करने वाली नौका के नाविक हैं, क्योंकि न तो तीर्थ ही केवल जलमय हैं और न देवगण ही केवल मिट्टी और पत्थर की मूर्ति मात्र होते हैं। जितने यज्ञ, पुण्य, व्रत, उपवास, तप, अनेक विधि दान, विप्रों और देवताओं की अर्चनाएं हैं, ये सभी चिरकाल में कर्ता को पावन बनाती हैं, परंतु वैष्णवजन दर्शन से ही पवित्र कर देते हैं। वैष्णव भक्त संतों के पावन चरण कमलों की रज के स्पर्श मात्र से वसुंधरा तत्काल ही पावन हो जाती है और तीर्थ, समुद्र तथा पर्वत भी पवित्र हो जाते हैं। देवगण भी उन वैष्णवों के पातक रूपी ईंधन का विनाश कर देने वाले दर्शन की अभिलाषा करते हैं। जैसे दूध, दही और रस परम स्वादिष्ट होते हैं, उसी प्रकार ज्ञान परमानंददायक होता है। उस ज्ञान को जो ज्ञानी के साहचर्य से नहीं समझ पाता, वह अज्ञानी है। ज्ञानियों के गुरु के भी गुरु भगवान, जैसे मैं श्री कृष्ण का पिता और चिरकाल का संगी हूँ, उसी तरह देवकी भी उनकी माता है। वसुदेव जी की बात सुनकर स्वयं भगवान शंकर, जो चारों वेदों के भी जनक एवं गुरु हैं, हंस पड़े और इस प्रकार बोले। श्री महादेव जी ने कहा, अहो, ज्ञानियों के सन्निकट रहना भी उनके अनादर का ही कारण होता है। जैसे गंगा के जल से पवित्र हुए लोग भी गंगा का अनादर करके सिद्धि के लिए अन्य तीर्थों में जाते हैं। वासुदेव के पिता ये वसुदेव स्वयं पंडित हैं और अपने पिता वसुस्वरूप ज्ञानी कश्यप के अंश से उत्पन्न हुए हैं। इनकी श्री कृष्ण में पुत्र बुद्धि है, इसलिए ये श्री कृष्ण के अंगभूत हम लोगों से ज्ञान पूछ रहे हैं। तदनंतर श्री महादेव जी ने सर्व कारण कारण भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करके कहा, यदुवंशी वसुदेव, सर्वेश्वर श्री कृष्ण ही सबके मूल रूप हैं, अतः राजसी यज्ञ का अनुष्ठान करके उसमें अपने पुत्र श्री कृष्ण की जो यज्ञ के कारण एवं यज्ञेश हैं समर्चना करो, फिर विधि पूर्वक दक्षिणा देकर भवसागर से पार हो जाओ। मुने शिव जी का कथन सुनकर जितेंद्रिय वसुदेव जी ने सामग्री जुटाकर शुभ मुहूर्त में राजसीय यज्ञ का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ में साक्षात यज्ञेश और दक्षिणा सहित ये यज्ञ वर्तमान थी। अतः देवताओं ने साक्षात प्रकट होकर वसुदेव जी के हव्य को ग्रहण किया। तदनंतर जब वसुदेव जी पूर्ण आहूति दे चुके, तब श्री कृष्ण की आज्ञा से भगवान सनत कुमार ने उनसे सर्वस्व दक्षिणा में देने के लिए कहा। तब जिनके नेत्र और मुख प्रफुल्लित थे, उन वसुदेव जी ने श्री सनत कुमार जी के आदेश अनुसार ब्राह्मणों को सर्वस्व दक्षिणा रूप में प्रदान कर दिया और ब्राह्मणों के शुभ मुखों द्वारा देवताओं को तृप्त किया। तत्पश्चात देवगण और मुनि समुदाय उस रात में अपनी पत्नियों के साथ वहाँ सुखपूर्वक रहे और प्रातःकाल होने पर वे सभी श्री कृष्ण की अनुमति से अपने अपने स्थान को चले गए।
तब सभी यदुवंशी भी रुक्मिणी की दृष्टि पड़ने से अमूल्य रत्नों से परिपूर्ण एवं श्री कृष्ण द्वारा सुरक्षित द्वारका को प्रस्थान कर गए। संक्षिप्त ब्रह्म वैवर्त पुराण श्री कृष्ण जन्म खंड उत्तरार्ध अध्याय 124 संपूर्ण। जय राधा माधव।